स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SGG एम्स। आज हम करने वाले हैं NCERT के क्वेश्चंस जो कि टोटली NCERT बेस्ड हैं आपके। तो आज हमारा चैप्टर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, इस पर हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड आर टेकन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो ऐसे इनमें से कौन से आपके कंपोनेंट है जो आप बहुत कम मात्रा में लेते हो, तो उसमें क्या जाएगा आपका, मिनरल्स एंड वाइटमिन्स, क्योंकि हमें बहुत लेस अमाउंट में लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। किससे आपको एनर्जी मिलती है, किसको आप सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हो। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट ओनली, फैट्स ओनली, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और चौथा आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड वाइटामिन्स। तो आपको सीधे से दिख रहा होगा इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हम तीनों को यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो हम आगे आते हैं। डाइजेशन क्या होता है, तो इसमें चार डेफिनेशन दी गई है आपकी, डाइजेशन ऑफ डिफ्यूजिबल फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, थ्रोइंग आउट ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल फूड सब्सटेंस, और फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म्स। तो इसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन आपकी है फोर्थ वाली, क्योंकि वो सारी बातें बता रही है डाइजेशन के बारे में। वो कह रहा है कि जो फूड कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि घुलता और मिलता नहीं है, उनको आप सिंपल एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म्स में अगर ब्रेक डाउन कर दो, यही डाइजेशन कहलाता है। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वो पूछ रहा है कि डेंटल फार्मूला क्या होता है आपके एडल्ट पर्सन का, यानी जो एडल्ट है उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ये सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और NCERT की लाइन से उठाए गए हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फोर्थ का आंसर आप देख सकते हैं, फोर्थ का आंसर हो जाएगा 2123 2123। इसको आप याद कर सकते हो ICPMM से। ये आपका 2 होते हैं, ये 1 होते हैं, ये 2 होते हैं और ये 3 होते हैं, ऐसे रिपीट होते रहते हैं। मतलब इंसीजर 2 है, कैनाइंस 1 है, प्रीमोलार 2 है और मोलार 3 है, तो ICPMM से आप इसे याद कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अवर टीथ आर, हमारे टीथ क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं। तो इसमें आप देखिए सबसे बेस्ट आंसर जो आपको दिखेगा वो होगा आपके सी वाला, क्योंकि ये थीकोडोंट होते हैं, डिफ्योडोंट होते हैं और हेट्रोडोंट होते हैं। यानी क्या बोलते हैं, जो थीकोडोंट होते हैं हमारे एक सेट्स में होते हैं, जो दांत होते हैं उनमें एक जॉज में अटैच्ड होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चरों के कहते हैं थीकोडोंट। फिर डिफ्योडोंट जो होते हैं, यानी आपके डाई का मतलब होता है कि दो प्रकार के, एक परमानेंट होता है जो कि बाद में आता है, और एक बचपन के टीथ होते हैं मिल्क, तो हमारे दो फेज में दांत आते हैं, उसे डिफ्योडोंट कहते हैं। और तीसरा है हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि अलग अलग वैरायटी के, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, तो सब अलग अलग वैरायटी के हैं, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर से इस क्वेश्चन देखिए, फ्रिनुलम क्या होता है। तो पहला है एडेनॉइड, आपको बताया ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा टॉन्सिल, ये भी नहीं है। सी और डी, वी सेव्ड सल्कर फॉर टर्मिनालिस ऑन टंग। और सी अगर आप देखोगे तो उसमें क्या लगेगा, फोल्ड अटैचिंग टंग टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जी। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जो आपके टंग को जो बेस ओरल कैविटी से में जो फ्लोर होता है उससे जो अटैच करता है वही फ्रिनुलम होता है। जो आपके जीभ के नीचे एक स्ट्रक्चर दिखता है आपको अटैच करने वाला, वही फ्रिनुलम है। अब सेवन्थ क्वेश्चन, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ हेल्पिंग इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड। तो सरफेस को क्या कहते हैं जिससे आप खाने को चबाते हैं, जो हार्ड होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है पूरी बॉडी में, तो उसको हो जाता है आपका इनेमल। अब अपर सरफेस ऑफ टंग है स्मॉल प्रोजेक्शन, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड। तो जो आपके टंग के ऊपर की सरफेस होती है वहाँ पे छोटे से प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, जिससे आप खाने का टेस्ट ले पाते हो, उन्हें क्या कहते हैं, पैपिले। ये आपने पढ़ा होगा, NCERT आपको पढ़नी जरूरी है इन क्वेश्चन करने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एक ऐसा कॉमन पैसेज का नाम बताना है जो जिससे फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स को क्या कहते हैं, ये कॉमन पैसेज होता है। यहाँ दोनों क्या होता है, पहले फेरिंग्स आता है आपका, फिर फेरिंग्स के बाद एक ईसोफेगस में टूट जाता है, एक ट्रेकिया में टूट जाता है, और फिर रिस्पेक्टिव पाथवे बन जाते हैं। पर पहले क्या होता है, फेरिंग्स दोनों के लिए कॉमन होता है।
अब टेंथ में आते हैं ईसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू, ये देखिए इसके ऊपर अब हमने बात की थी, जो ईसोफेगस और ट्रेकिया होते हैं वो किससे खुलते हैं, तो वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से क्या होते हैं, फेरिंग्स से कौन कौन बाहर निकलता है, ईसोफेगस और ट्रेकिया। 11th क्वेश्चन की ओर आते हैं, अ थिंग लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग पोस्टीरियरली एंड पासिंग थ्रू नेक थोरेक्स एंड अ डायफ्राम एंड लीडिंग टू स्टमक इज कॉल्ड, कोई ऐसी ट्यूब जो नीचे को जाती है नेक थोरेक्स और डायफ्राम से और स्टमक से, तो वो ऐसी कौन सी ट्यूब होगी, उस ट्यूब का नाम क्या होगा, तो एक ही ट्यूब है ईसोफेगस। 12th हवर स्टोमक, तो हमारे स्टोमक के शेप को बताने हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे स्टोमक का शेप कैसा होता है, जे शेप्ड। 13 क्वेश्चन में आते हैं, अ मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेटिंग ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, एक ऐसा स्फिंक्टर बताइए जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या होता है, रेगुलेट करता है, कहाँ से कहाँ, ईसोफेगस से लेकर स्टमक तक। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि आपको पता होगा स्टमक के पार्ट्स कार्डियक होता है, बॉडी फंडे पाइलोरिक, ये आपको पता होगा, तो कार्डिक। अब अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, कार्डिक स्फिंक्टर इज, कार्डिक स्फिंक्टर क्या है, गैस्ट्रो का मतलब आपका स्टमक से है जितने, तो आप याद कीजिए कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ होता है, गैस्ट्रो यानी स्टमक और ईसोफेगस के बीच में, तो ये 14 का ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर डैश पोर्शन ऑफ द डैश कैविटी, तो स्टमक किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, और किधर होता है, पेट के साइड, एब्डोमन, एब्डोमन में होता है, तो लेफ्ट एब्डोमिनल। 16 क्वेश्चन में आते हैं, द नैरो डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक लीडिंग टू द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, स्टमक का वाला पार्ट का नहीं बताना है जो इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, तो क्या हो सकता है वो, पाइलोरिक लास्ट पार्टी होगा जो इंटेस्टाइन को कनेक्ट करेगा। 17 क्वेश्चन में आते हैं, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक इन विच ईसोफेगस ओपन्स, वही सेम आंसर है कि स्टमक का वो पार्ट जो कि ईसोफेगस में खुलता है क्या होगा, पाइलोरिक। 18th का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टमक, इनमें से कौन सा स्टमक का पार्ट नहीं है, पाइलोरिक होता है, फंडस हो जाता है, कार्डिक हो जाता है, सीकम, ये सीकम आपका नहीं होता, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये सही हो जाएगा। अब 19 क्वेश्चन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू थ्री पार्ट्स, अ सी शेप डैश, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन डैश एंड अ हाईली कॉइल्ड डैश, तो सी शेप्ड वाले पार्ट क्या कहते हैं, सबसे पहला पार्ट जो होता है ड्यूओडेनम, फिर क्या आता है आपका जेजुनम, और फिर क्या आता है आपका इलियम, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विथ करेक्ट स्पेलिंग के साथ, इसका आंसर आपका 19 का सी हो जाएगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 का ऑप्शन, अपना लास्ट क्वेश्चन को, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूओडेनम इज गार्डेड बाय, जो आपकी ओपनिंग है स्टमक की उसको में, उसको ड्यूओडेनम में कौन सा स्फिंक्टर जो होता है वो कंट्रोल करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक और ड्यूओडेनम में कौन गार्ड करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है स्फिंक्टर वाला, तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग मी, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें माय चैनल SGG Aims। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।